औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं बात करना चाहता हूँ भरवाना कबीला की, जिन्होंने 1857 में जंग आज़ादी में हिस्सा लिया था, और इसके बारे में जो है एक रोज़नामा जंग का नाम नहाद सहाफ़ी जो है अपने आप को बड़ा अजीम सहाफ़ी समझता है बिलाल गोरी, उसने जो है भरवाना खानदान को गिरदार साबित करने की कोशिश की है। असल में मेरे ख्याल के मुताबिक बिलाल साहब जो है उसने सही हिस्ट्री नहीं पढ़ी। सियाल हुक्मरान जो है उसने तकरीबन 360 साल तक जंग में हुकूमत की है, और इसके तकरीबन 18 हुक्मरान गुजरे हैं, और इनमें दो जो हुक्मरान है वो काफ़ी मशहूर हुए थे, नवाब मल खान और नवाब वली खान। नवाब मल खान जो है उसने 1468 में बाकायदा जंग का कंट्रोल संभाला था, इसने नौलों के आखिरी हुक्मरान को शिकस्त दी थी। उसके बाद इसने ये ऐलान किया था कि सियाल जो कोई सियाल भी अगर ज़मीन काश्त करना चाहता है तो वो ज़मीन उसके नाम कर दी जाएगी। इस तरह से जो सियाल कबीले के कुछ लोग थे उन्हें काफ़ी खुशहाली मिली। उसके बाद जो 13वां हुक्मरान थे नवाब वली खान, 1739 में वो उन्होंने जंग का चार्ज संभाला। 1763 में उनका इंतकाल होने के बाद नवाब अनायतुल्ला खान के पास ये हुक्मरानी चली गई। नवाब अनायतुल्ला खान की बदकिस्मती ये है कि उसके कुछ अपने सियाल कबीले के कुछ लोग जो है ना उसने मुखालफत की, इस तरह से उसकी भी हुकूमत चली गई। सियाल कौम के जो आखिरी हुक्मरान थे वो थे अहमद खान। अहमद खान की हुकूमत जो है 1810 तक रही, उसके बाद जो है ना रणजीत सिंह ने पूरे पंजाब पे कब्जा कर लिया। अब ये सोचने की बात ये है कि जहाँ आके बिलाल गोरी साहब जो है ना भरवाना कबीलों को जो है ना गिरदार साबित करने की कोशिश करता है, अब ये सोचने की बात है कि 1810 में रणजीत सिंह ने जो कि सिखों का सरदार था उसने जंग पे हुकूमत की, मतलब कि सियाल खानदान से उसने वो जो है तख्त छीन लिया, और सियाल खानदान जब हुकूमत कर रहा था तो इसमें भरवाना कबीले के जो लोग थे वो अलग पर फैस थे, क्योंकि भरवाना कबीला जो है ना वो ऑलरेडी जो है वो अपनी बरादरी की वजह से मशहूर था, और उसके बेजाक वक्त कई कबीलों के साथ दुश्मनी थी, लड़ाई झगड़े थे, और हर दफा उन्होंने फतह हासिल की थी। तो इस तरह से जो है ना सियाल हुक्मरान जो थे वो भरवाना कबीला पर बहुत ही ज्यादा इतमाद करते थे उनकी बहादुरी की वजह से। अब हुआ इस तरह से कि रणजीत सिंह ने अहमद खान को गिरफ्तार करके लाहौर जेल में मुंतकल कर दिया और उसने मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया। उसके बाद उसने ये सियाल खानदान पे अपना जो है जुल्म की पहाड़ तोड़ दिए। अब ये जो सियाल खानदान है इससे जो हुक्मरानी छीनी है वो सरदार रणजीत सिंह ने छीनी थी, और भरवाना जो कबीला था वो और सियाल ये हुक्मरानी में इकट्ठे शामिल थे। तो हुआ यूं कि रणजीत सिंह की वफात के बाद जब उसका बेटा आया तो अंग्रेजों ने मोहम्मद खान भरवाना और मोहम्मद बकर भरवाना के साथ हाथ मिलाया, और उन्होंने उनकी बहादुरी की वजह से उन्होंने इनसे सपोर्ट मांगी, और क्योंकि इनको भी वो रंज था, इन पे भी हुक्मरानी इनसे भी हुक्मरानी सिखों ने छीन ली थी, और इन पर काफ़ी जुल्म व तशद्दुद भी किया गया था, इसलिए इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ हाथ मिलाकर सिखों के खिलाफ जो है ना वो लड़े हैं। अब बिलाल साहब का कहना यह है कि उनका कहना यह था कि अंग्रेजों के साथ मिलकर इन्होंने ये गिरदारी का मुरतकब हुआ है, जबकि इसमें तो गिरदारी का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि हुक्मरानी जो है सियालों की है, और उसमें शामिल जो है हुक्मरानी में शामिल जो है मिलकर हुकूमत कर रहे हैं वो भरवाना खानदान कर रहा है, तो इसमें वो गिरदारी कर किस से रहे हैं। उन्होंने तो मैं अपनी बात कहता हूँ, अगर कोई मुझे आके मेरा घर मुझसे छीनेगा तो साफ जहर उसके मुतबादल मैं उसे फूलों का गुलदस्ता थोड़ी पेश करूँगा, मैं तो देखूंगा उसकी किसके साथ भी कोई दुश्मनी वगैरह बनेगी, जब कोई लड़ाई होगी तो मैं उसके साथ दूंगा, क्योंकि मेरे खुद सीने में आग लगी हुई है। और 1857 की जंग आज़ादी ये कहीं साबित नहीं होता कि वो कहते हैं कि इन्होंने मुजाहिदीन के खिलाफ अंग्रेजों के साथ मिलकर लड़े थे,
ये कहीं साबित नहीं होता। मुजाहिदीन वो एक काफी बात लंबी चली जाएगी अगर उस साइड पे जाते हैं, वो किस तरह मुजाहिदीन तैयार हुए, क्या हुआ क्या ना हुआ, शाह जफर शाह के साथ क्या हुआ, ये एक अलहदा टॉपिक है, वो इंशाल्लाह किसी वक्त और भी किसी और वक्त जो है ना डिस्कस करेंगे। अब फिलहाल जो बात हो रही है 1857, तो बिलाल गौरी साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1857 की जंग आज़ादी में जो है वो माझा भरवाना था जिसने अंग्रेज को दिन के तारे दिखाए हुए थे। माझा भरवानों को उन्होंने डाकू करार दिया था, अंग्रेज हुकूमत ने माझा भरवानों को डाकू करार दिया था, जबकि माझा भरवाना जो है ना जितना उसने अंग्रेज को नुकसान पहुंचाया अकेले ने, इतना शायद के अंग्रेज के सोच में भी नहीं था। जब अंग्रेज बिल्कुल तंग आ गया कि इसको कैसे काबू किया जाए, तो साफ जाहिर है जो गिरदारी है वो तो शुरू से ही आ रही है, लालच वगैरह, जैसा कि आप शकील और रहमान, मीर शकील और रहमान का नाम कहते हैं कि वो मजलूम है, उसको बेगुनाह गवर्नमेंट ने गिरफ्तार किया हुआ है, फलान किया हुआ है, ढमकान किया हुआ है, जबकि इसके अभाव जिदाद का अगर देखा जाए तो असल जो है ना वो गिरदार वही थे जिन्होंने टीपू सुल्तान के साथ गिरदारी की। तो इस जैसे जो है ना मीर शकील और रहमान के खानदान जैसे उस वक्त भी मौजूद थे, तो अंग्रेज हुकूमत ने माझा भरवाना के सर पे काफी इनामात रख दिए और कई मुरब्बे जमीन भी रख दी, जिसके बाद जो है उन्हीं में से किसी ने माझा भरवाना को जो है ना वो किसी अपने की वजह से माझा भरवाना की गिरफ्तार हुई और अंग्रेज हुकूमत ने उसे सजाए मौत दी और वो शहीद हुआ, और काफी उसकी जो जायदाद वगैरह थी वो भी गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले ली। तो इस तरह 1857 की अगर जंग आजादी में देखा जाए तो इस तरह इसमें भी परवाना कबीला का जो है ना वो खून शामिल है। तो बाकी बिलाल गौरी साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका गिरदार कौन, में तकरीबन कोई ऐसी बिरादरी नहीं है बड़ी बिरादरी जिसमें आपने जिनको गिरदारी का सर्टिफिकेट ना दिया हो। अगर ये सभी गिरदार थे, वन टू ऑल जितने भी हैं सभी गिरदार थे, तो अंग्रेजों की हुकूमत आई, अगर उन्नीस सौ सैंतालीस में पाकिस्तान वजूद में आया तो उस वक्त तो इन्होंने गिरदारी ना की, उस वक्त ये जो है ये शाना बशाना खड़े हुए और पाकिस्तान के लिए इन्होंने काफी जदोजहद की, और जो मतलब कैद आजम की जितनी ज्यादा सपोर्ट थी वो इसी साइड से हुई थी। तो हमारी किसी के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं, आपका नॉलेज आपके मुताबिक, पर ये मैं आपको वजाहत करना चाहता था कि आपने जो सर्टिफिकेट दिया था भरवाना कौम को गिरदारी का कि ये इन्होंने गिरदारी की थी, वो मैंने आपको वाजह तौर पर बता दिए, और मैं आपको कहूँगा कि एक दफ़ा आप दोबारा जो है ना हिस्ट्री देखें और उसमें ये देखें कि कौन कबीला कहाँ था और किसने क्या किया था। और इसके साथ अगर भरवाना कबीला की आपने तारीख देखनी है तो मैं ये आपको लाजमी कहूँगा कि मीर शकील रहमान की भी हिस्ट्री देखें और उनके आबाओ अजदाद को भी देखें। मेरे ख्याल के मुताबिक आपने उसके ऊपर जो है ना कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई, जबकि असल जो है हक उसी का बनता था, आप उसके ऊपर बनाते हैं और उसके बाद दूसरे कबीलों पर बात करते हैं। तो मैं जो मेरे सारे भाई देखने वाले हैं तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि ये उनको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भरवाना कबीला था, भरवाना कबीला तो अपनी एक बहादुरी की वजह से जो है ना मशहूर मरूफ था, और जो भी हुकूमत आती जो भी आती वो मजबूर हो जाते थे इनके साथ हाथ मिलाने के लिए, तो लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कबीला जो है बहादुर भी था, नेक भी था, रहम दिल भी था, और इस तरह जो है आगे मैं आके अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगा, शायद काफी जो है मेरे भाई ये ना जानते हो, कादियानियों को काफर करार देने में भी बरवाना खानदान ने अहम किरदार अदा किया था, वो किसने कब और कैसे किया था ये इंशाल्लाह जो है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बयान करूंगा। अल्लाह हाफिज़।